said a lot. एक सूरह फातिहा, तीन दफ़ा सूरह तौहीद पढ़कर तमाम मोमिनीन मोमिनात महरूमीन की रूह को पढ़कर बख्श दे। इमाम ज़माना की सलामती के लिए भी एक और दफ़ा सलावात पढ़ो। अज़ीम हसबुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी युमिनुल खाइफीन وَيُنَجِّي الصَّالِحِينَ وَيَضَعُ الْمُسْتَكْبِرِينَ وَيُهْلِكُ مُلُوكًا وَيَسْتَخْلِفُ آخَرِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ ثَقَلَيْنِ مَحْبُوبِ رَبِّ الْمَشْرِقَيْنِ وَالْمَغْرِبَيْنِ جَدَّ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ نَبِيِّنَا سَيِّدِنَا अब القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وارواحنا لتراب مقدم الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अम्री व हलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। अम्मा बादु, फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिल हकीम वल क़ुरानिल मजीद व मा ख़लक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। सलावात भेजे मुहम्मद। हज़रत-ए-आला ने सईद उश्शोहदा करबला दरसे तौहीद है, करबला वादिये तौहीद है, जो ला इला इल्लल्लाह का इकरार करता है, जो ला इला इल्लल्लाह को राइज करना चाहता है, वो करबला आता है। एक कुफ्र या एक बुराई ये है कि खुद इंसान बुराई करे, खुद इंसान शिर्क करे, खुद इंसान किसी और की परस्तिश करे,
अब एक ये बुराई है कि कोई खुदा ना खास्ता खुदा के अलावा किसी और को अपना माबूद बनाए। खूब ये एक उसकी ज़ाती फेल है, उसका ज़ाती अमल है। लेकिन एक अमल ये है कि ऐसा काम राइज किया जाए, ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि लोग बुतों की पूजा करने लग जाए, लोग शिर्क करने लग जाए, खुदा के अलावा किसी और की इबादत करने लग जाए। वो दोनों गुनाहों के मेयार में और उसके लेवल में बहुत फ़र्क है। शख्स ज़ाती गुनाह करे, शायद उसकी अपनी ज़ात को असर हो और उसका अपना हिसाब किताब हो, लेकिन बाज़ गलतियाँ कोताहियाँ इज्तिमाई होती हैं, और जब वो इज्तिमा में होती हैं तो माशरा जब उसका शिकार होता है तो गुनाह की शिद्दत बढ़ जाती है। मैं खुदा ना खास्ता कोई ऐसा काम करूँ वो गलत हो, हुदूद इलाही को खुदा ना खास्ता क्रॉस करे, लेकिन मेरा ज़ाती हो, तनहाई में हो, किसी सरोकार ना हो, लेकिन मैं कोई ऐसा अमल करूं कि लोग उस अमल के बदले में गुमराह हो जाएं, तो ये औलियाए ताहूत का काम है। औलियाए ताहूत सिर्फ खुद गलत नहीं बल्कि ऐसा काम करते हैं, ऐसा कल्चर क्रिएट करते हैं कि लोग गलत कामों की तरफ चले जाएं। मतलब एक शख्स जो है वो जाता है कहीं बुत बनाता है, खुद ही इबादत करता है, चला आता है, एक बुत कदा बनाए, बुत परस्ती की जगह बनाए और फिर लोगों को दावत दे, माशरा आहिस्ता 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 फिर उस तरफ जो क्या है शिकार हो जाता है। खूब यहाँ यानी सिर्फ उसने खुद नहीं बल्कि पूरी सोसाइटी को करप्ट किया है। ये जो मामला है खूब ये तौहीद के मुकाबले में है। यानी औलियाए इलाही का क्या काम है? औलिया इलाही का काम ये नहीं है कि सिर्फ खुद नमाज पढ़ें, खुद जो है वो तिलावत करें, खुद रोज़े रखें, खुद खुदा की इबादत करें, नहीं, बल्कि माशरे को भी खुदा की तरफ लेके जाएं। नमाज पढ़ना अलग है, नमाज कायम करना अलग है। दो नबी जो हैं उनको अल्लाह ने जो है वो नमाज कायम करने के लिए, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उलुल अज़म पैगंबर हैं, उन्हें भी नमाज कायम करने के लिए कहा गया। रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल खुदा को भी नमाज को कायम करने का कहा गया। ये नहीं कहा कि नबी तुम जाओ नमाज अकेले पढ़ लो, नहीं, नमाज को कायम करो। जब नमाज कायम की जाएगी तो लोग नमाज की तरफ आएंगे, नमाज की तरफ रुजू करेंगे, जब नमाज की तरफ आएंगे अहकाम सीखेंगे, फिर हुकूक सीखेंगे, हलाल सीखेंगे, हराम उन्हें पता चलेगा। खूब इस तरह एक माशरा डिज़ाइन होगा। वरना अगर सिर्फ इबादत का ताल्लुक होता तो गारे हिरा में बेहतरीन इबादत थी। हज़रत जिब्राइल तशरीफ़ ला रहे हैं, रसूल खुदा अकेले हैं, हज़रत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा जो हैं वो रसूल खुदा के लिए खाना लेके जा रही हैं। वो इससे बेहतरीन जगह और क्या हो बंदे के लिए, खलवत में इबादत कर रहा है, वही भी ला रही है, वही खुद मकाम तौहीद है जो नाजिल हो रहा है नबी कल्ब के ऊपर। क्योंकि शायद मैं किसी और मजलिस में, यहाँ शायद नहीं, वहाँ जो मेरी गुफ्तगू चल रही है वहाँ मैंने अर्ज़ किया कि क़ुरान जो है वो क़ुरान के अपने दर्जात हैं, क़ुरान दर्जों की तरह है, मोमिन के दर्जात बहिश्त में क़ुरान की आयतों की तरह हैं, जितनी क़ुरान की आयतें हैं उतने मोमिन के दर्जात हैं। अब जो मोमिन के वजूद में क़ुरान नफूज कर जाएगा और जितना नफूज करेगा और फिर वो क़ुरान ज़हूर करेगा उतने उसके दर्जात बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन अब हमें ये बातें मौलाना साहब क्या पता, क़ुरान नफूज करे वजूद में फिर ज़हूर भी करे, ये नई बातें कर रहे हैं मौलाना साहब, हमें क्या पता इनका वजान है। जब हम
कुरान से दूर होंगे तो यही होगा ना। कुरान हमारी ज़िंदगी का हिस्सा जब नहीं होगा तो ये बातें तो होंगी। और हम चाहते हैं बहिश में दर्जात भी हमारे बुलंद हों। बहिश में दर्जात बुलंद कैसे होंगे जब दुनिया में अपने दर्जों को कुरान के बराबर कर ही नहीं रहे हम। वो ब्रैकेट क्लोज, में कहीं और जाना नहीं चाहता, गुफ्तगू फिर बहुत कहीं और चली जाएगी। अब यहाँ कुरान जो है, जो इतना कुरान के बारे में इंसान क्या कहे, कुरान परवरदिगार ने ख़ुद कुरान की तारीफ़ कुरान के अंदर की है, हमने कुरान को ऐसे नाजिल किया, कुरान है क्या, ख़ुद हिदायत की किताब है, ख़ुद कलाम इलाही और हकीकत कुरान उस आलम में कुछ और है, ये नीचे उतर उतर के लफ्ज़ों की सूरत में आया है। उसके बावजूद भी जब खुदा ने इसे अर्ज़ा करने की कोशिश की, देने की कोशिश की, ना पहाड़ों ने एक्सेप्ट किया, ना किसी और ज़मीन ने एक्सेप्ट, किसी चीज़ ने कुरान को एक्सेप्ट नहीं किया। क्यों? कहा कुरान का वज़न इतना ज़्यादा है। कुरान फिर कहाँ आया? कल्ब पैगंबर भर आया। यानी कल्ब की वसअत इतनी है कि जितनी भी ज़र्फ बढ़ती चली जाए, कल्ब पैगंबर पर खुदा ने अपने कलाम को उतारा है। अब रसूल खुदा आयत नाजिल है, लेकिन नहीं, खुदा ने कहा कि नहीं, नीचे जाओ, लोगों को हमारी तरफ मुतवज्जे करो, हमारी तरफ दावत दो। अब जब दावत दी जाएगी तो ज़ाहिर है, जब आप किसी को एक चीज़ इंट्रोड्यूस कराएंगे तो मार्केट में जो ऑलरेडी प्रोडक्ट हैं वो आपको शेयर देंगी क्या? आज मार्केटिंग की लैंग्वेज में जब आप कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे तो ऑलरेडी जो प्रोडक्ट हैं वो अपना शेयर देंगी क्या? नहीं देंगी, रुकावट डालेंगी। तो उन्होंने क्या किया? रुकावट डालने की कोशिश की, पहले डराया, धमकाया, लालचें, जो वो कर सकते थे उन्होंने की। लेकिन यहाँ खुदा के यहाँ कोई शेयरिंग नहीं है, खुदा अपनी मार्केट किसी से शेयर नहीं करना चाह रहा। ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई नहीं है माबूद सिवाय, तो बाकी सारी मार्केटें क्लोज, बंद हो जाएंगी। ये आसान नहीं था, ये आसान नहीं है, यानी दीन को फैलाना आसान नहीं। आप आज आप देखें ना माशरा, हमारा माशरा, किसी और की क्या मिसाल दें भाई, अपना काम से काम रखो, नमाज पढ़ो, जाओ भाई, क्या है तुम्हें, क्या है दुनिया में, क्या हो रहा है, यही है ना, ये इस्लाम थोड़ी है। आप नमाज को जब कायम करेंगे तो वो चीज़ें जो लोगों को नमाज से रोकती हैं, बुराइयाँ, बेहयाई, नशा, ये सारी चीज़ें, और ये चीज़ें इंसान को नमाज की तरफ थोड़ी आने देंगी। ये औलिया तागूत हैं, ये तागूत के वली हैं जो रोक रहे हैं, तो फिर आप क्या करेंगे? इनको भी छोड़ दो, मैखाने भी खुले रहें, मस्जिदें भी खुली रहे, ये कैसे हो सकता है? नमाज जब कायम की जाएगी तो फिर बुत कदे तोड़ दिए जाएंगे। इसीलिए रसूल खुदा ने खाना काबा के बुतों को तोड़ा, तोड़ा है। वो अलग बात है कि तोड़ने वाला रसूल के साथ कौन था, ये भी बता दिया कि वली के बगैर, वलायत के बगैर तागूत का मुकाबला नहीं किया जा सकता। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जाने मोहतरम, ये आज माशरे में आप देखें ना, हर चीज़ सब चल रहा है, सब हलाल है, ये भी सही है, वो भी सही है, आप देख लें माशरे के अंदर क्यों इतनी बहरहाल गुफ्तगू करनी पड़ती है। जाने मोहतरम, माशरा हमसे है, आप बोलेंगे खुद ये माशरे में जो बुराइयाँ हैं ये बाहर से थोड़ी आई हैं, ये हम खुद हैं, हम ही तो हैं, ये सब जो आज माशरे में खराबियां हो रही हैं ये सब हम खुद कर रहे हैं, कोई और थोड़ी कर रहा है। उसकी वजह क्या है? उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाह हमारी ज़िंदगी में कम रंग हो गया है। अल्लाह
अल्लाह या रसूल अल्लाह खूब। जब ला इलाहा इल्लल्लाह कम रंग हो जाए तो फिर जाहिर है इंसान देखे ना, इंसान एक नमाज पढ़ा एक नमाज नहीं पढ़ा, एक इबादत करता है एक इबादत नहीं करता, बाप नमाज पढ़ता है बेटी बेहिजाब है कोई फर्क नहीं पड़ता, मर्द जो है वो थोड़ा सा दीनदार है बीवी पर्दा नहीं करती, बीवी बा नमाजी है परहेजगार है शौहर नशे करता है, माशरा ऐसी है ना आज, मर्ज है हुदूद इलाही पता ही नहीं है किसी को, दिल में पर्दा होना चाहिए वो कहता है फलाना दिल में होना चाहिए, खूब अगर इतना सब दिल में होता तो परवरदिगार कुरान में सूरतें क्यों नाजिल कर देता भाई, परवरदिगार अपने हबीब से कह रहा है अपनी औरतों को चादरों में रखो पर्दे में रखो। खूब ये क्यों है, क्योंकि हम चाहते ही नहीं, हम चाहते हैं आज़ाद माशरा हो जिसका दिल चाहे जो करे, ये इस्लाम थोड़ी है, इस्लाम ये नहीं है। हम ये भी नहीं कहते कि तालिबान का माशरा हो, ये भी नहीं कहते कि भाई ज़बरदस्ती हो, जो इस्लाम ने हुदूद दिए जो इस्लाम ने खातून को इज्जत दी है मकाम दिया है वो आपको देना है, वो सब कर सकती है वो पढ़ भी सकती है वो काम भी कर सकती है ले हुदूद इलाही में, लेकिन हवस परस्त माशरा औरत को घर से बाहर निकालता है, ये हवस माशरे की हवस है, ये माशरे की हवस है जिसने खवातीनों को आज बेपर्दा कर दिया है। आज आपके सामने जो टीवी के अंदर ड्रामों में जो प्रोग्राम आपके आ रहे होते हैं टिकटॉक और बदनी क्या क्या, ये हवस है इंसान की और ये हवस माशरे को तबाह कर देती है। वो एक जवान जो जिसके लिए कुरान की आयत नाजिल हुई रसूल खुदा की खिदमत में आया, एक खातून पर उसकी निगाह पड़ी सदर इस्लाम में और गुमराह हो गया और इतना अंधा हो गया हवस में कि जाकर जो है वो किसी दीवार पर जाकर लगा कि जहाँ शीशे या कुछ ऐसी चीज़ें थी और ज़ख्मी हो गया, ज़ख्मी हुआ उसका एहसास हुआ कि कर क्या रहा है, रसूल खुदा के फौरन रसूल की खिदमत में गया। ये भी बहुत खुदा का शुक्र के उस ज़माने में लोग गलतियाँ करते थे और रसूल की खिदमत में चले जाते थे, ये रसूल का अपना और रसूल भी रहमतुल आलमीन है, रसूल ने भी अपनी आगोशों को सब के लिए खोले रखा है। रसूल खुदा ने जब यह आई तो कुरान की आयत में यगुज़ू अब्सारहुम अपनी आंखों को, मर्द के लिए यह आयत कि जब बाहर निकलो किसी ऐसी जगह से अपनी अपनी निगाहों को झुका के रखो। खूब जब इंसान की निगाहें झुकी हुई हो, निगाहें झुकी हुई सिर्फ फिजिकल नहीं है, यानी आप बोले नहीं हमें तो कुछ नहीं होता हम देख रहे हो, ऐसे कैसे हो सकता है आपको कुछ नहीं होता, मर्द की फितरत में है भाई, आप जितना अपने आप को एक्सप्लॉइट करेंगे उतना बर्बाद होंगे, आप जितना नजर पोशी करेंगे खुदा भी आपके लिए मवाकों को दूर कर देगा आपसे। आयतुल्ला काजी तबा तबाई रिजवानुल्लाह ताला अलैह, यानी उस मकाम पर कि अगर कोई नाहमहरम गली में कहीं से आ भी रही होती थी तो रास्ता खुद ब खुद मुड़ जाता था, यानी औलिया खुदा है वैसे भी निकाह वैसे भी नहीं है, लेकिन नहीं जहन में तसव्वुर में फिक्र में कोई जरा सी भी चीज ना आए जो ला इलाहा इल्लल्लाह को डिस्टर्ब करे, यही तो कमाल है। फिर कैसे इंसान वली बनता है, वली ऐसे ही बनता है जाने मोहतरम। खूब ये माशरे को फरहंग को कायम करना ये जिम्मेदारी है। इमाम जमाना जल्लल्लाहु ताला फरजहु शरीफ इमाम जब जहूर फरमाएंगे तो माशरा तश्कील होगा, सोसाइटी डिजाइन होगी, ऐसी सोसाइटी थोड़ी होगी कि मसलन आप कुछ भी चलाएं कुछ भी मीडिया में हो आपके टिकटॉक भी चल रहे होंगे और जी मौला भी ऐसे कैसे हो सकता है, आप तसव्वुर करें
तो अगर आप चाहते हैं कि आप अभी से इमाम के उस सोसाइटी में चले जाए तो क्या करना पड़ेगा हमें? हमें आज वैसे ही रहना पड़ेगा जैसे हमें इमाम की हुकूमत में रहना है, और ये मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, नामुमकिन नहीं, मुश्किल है, मुश्किल है, जाहिर है। वादी तौहीद है, इमाम की हुकूमत वादी तौहीद है, और वादी तौहीद में आसान नहीं है। करबला इश्क का किला, और उसमें जाने की शर्त गर्दन कटवाना है, वो आसान नहीं है। लेकिन अगर हम चाहते हैं जाने वाले, तो इसको हमें शुरू करना है, प्रैक्टिकल है। यानी अगर हम चाहते हैं कि हम खुदा के करीब हों, तो हमें अब सिर्फ ये नहीं कि मैं अकेला मस्जिद में जा रहा हूँ नमाज पढ़ो, नहीं, अपने अतराफ को बेहतर करो, अपने अखलाक को बेहतर करो, अपने आसपास को बेहतर करो। जो चीज़ अल्लाह के करीब करनी है, इंसान, कुरान की आयात भी है कि इंसान को खुदा से मुलाकात करनी है, वो खुदा से मुलाकात जो करनी है, कैसे मुलाकात करे इंसान, उस मुलाकात के लिए आपको यहाँ की मुलाकातें बेहतर करनी पड़ेंगी, यहाँ के ताल्लुकात बेहतर करने पड़ेंगे। मैं सजदे में पड़ा रहूँ, मैं तस्बीहें पढ़ता रहूँ, मैं जिक्र करता रहूँ, डिजिटल घड़ी मेरे उंगली में लगी हुई हो, टक 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 टक, आप अकेले पढ़ते रहे, आप कैसे जाएंगे? आप अपने अतराफ में, सईद शौदा अलैहिस्सलाम मदीना में रहते, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, इमाम जो है वो मदीना में रहते मदीना में, क्या था, क्यों छोड़ दिया मदीना? क्योंकि माशरा कायम करना था, कौम सो चुकी थी, औलिया तागूत ने सबको हाईजैक कर लिया था, तो वहां जरूरी था कि जिनके घर में दीन उतरा है वो अपने खून से इस दीन की आबियारी करें, बहुत जरूरी था। इसलिए आज तक ये करबला जारी है। हम अगर चाहते हैं खुदा से मुलाकात करना जाने मोहतरम, तो पहले तो अपने वजूद में वो सिफात पैदा करें जो इलाही हैं। जो खालिक को खुश करना चाहता है उसे सबसे पहले मखलूक को खुश करना पड़ेगा। माशरा ऐसी तश्कील होगा, माशरा ऐसे, आप जा रहे हैं, आपके आसपास एक आलम दीन कहते हैं मैंने ख्वाब में देखा कि बहुत सारे उलमा बैठे हुए हैं और रसूल खुदा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहा और उलमा बैठे, लेकिन रसूल के करीब सबसे ज़्यादा इब्ने फहद है उलमा में से। तो उन्होंने सोचा कि ये इतने मारूफ और इतने मशहूर तो नहीं है, वजह क्या है? तो वजह सिर्फ ये थी कि जब भी कोई फ़कीर आता था तो उसे खाली हाथ नहीं जाने देते थे, जबकि दूसरे उलमाओं के पास अगर कोई साइल सवाली आता था तो वो उसमें से जो उनके लिए हिस्सा होता था उसमें से देते थे, मगर जब इनके पास आता था और ख़त्म हो जाए तो ये अपने माल से भी उन्हें दे दिया करते थे। अब यहाँ बाज़ उलमा, मुतरसे अफगानी कहते हैं कि हर रोज़ 700 तालिब इल्मों के लिए रोटी का ख़र्चा बर्दाश्त करते थे। उस ज़माने में 300 तुमान बहुत बड़ी रकम होती थी, और ना हो तो कर्ज लेकर एक तंदूर वाले को के तालिब इल्मों को ये सारी चीज़ों, खूब यहाँ बहुत ज़रूरी है। इंसान माशरे में एक दूसरे को देखे कि क्या करता है, एक दूसरे की साइल, एक दूसरे की हाजत पूरी कर रहा है कि नहीं कर रहा। कोई साइल आया है खाली हाथ जा रहा है, साइल सिर्फ फाइनेंशियली नहीं है, साइल हाजत सवाल मशवरा भी है, सपोर्ट भी है, मोरल सपोर्ट भी है, किसी को डिप्रेशन से बाहर करना है, किसी को अच्छा मशवरा, किसी को थोड़ा सा साथ दे देना, किसी से बात कर लेना, अब ये माशरे को बका करता है। अगर इंसान खुद परस्ती में है, अपनी ज़िंदगी में है, खुद पसंदी में है, तो हु केयर्स, कोई कुछ भी होता रहे, असल तो फिक्र ही नहीं है।
जबकि रसूल खुदा फरमाते हैं कि वो मुसलमान नहीं जो सुबह उठे और उसे अपनी उम्मत मुसलमान उम्मत का ख्याल ना आए। तो क्या हम सबसे पहले तो क्या हम अपने अतराफ से गाफिल तो नहीं है? खुदा से मुलाकात तो चाहते हैं, ला इल्ला इल्लल्लाह तौहीद की वादी में वारिद होना चाहते हैं, लेकिन हमारे अतराफ में क्या हो रहा है? अब ये पहली चीज़ है। और अगर सामने वाला ज़रूरतमंद सिर्फ पैसे से नहीं है, हो सकता है ज़ाफ़ फिक्री हो सकता है गुनाह करता हो सकता है अल्लाह के करीब ना हो, कैसे हम कुछ करें कि ये खुदा के करीब हो जाए? अगर हम एक शख्स को खुदा के करीब कर लें तो सोचें फिर हमारा इस दुनिया और आखिरत में खुदा हमें क्या अजर देगा। क्या हम ये कोशिश करते हैं अपनी ज़िंदगी में? ऐसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते थे, क्या फरमाते थे कि दोस्त वो है जिसे देखकर खुदा याद आए। मुझे देखकर खुदा याद आता है कि नहीं आता? ये ज़रूरी है इंसान अपने अंदर। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद। वज़ाने मोहतरम, खूब लगा अल्लाह, खुदा से मुलाकात बहुत ज़रूरी है। अब इस मुलाकात के लिए अपने अतराफ को ज़ाहिर बेहतर करें, हत्ता अपनी इबादत करते हुए भी लोगों का ख्याल रखें। बाज़ औक़ात इंसान अपनी इबादत में दूसरे की इबादत का ख्याल नहीं रखता। मैं कर रहा हूँ इसको क्या, मैं मजलिस में जा रहा हूँ इसे क्या, मैं नमाज में जा रहा हूँ इसे क्या, मैं फ़लाना काम कर रहा हूँ, इग्नोर कर रहे हैं। बाज़ औक़ात इंसान जो है वो घर में नमाज पढ़ रहा है, लेकिन बाज़ औक़ात घर में कोई ऐसा वाजिब काम आ गया या कोई चीज़ आ गई, नहीं 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 मुझे तो पढ़नी ही पढ़नी है। वो ज़िंदगी है, बाकी चीज़ें भी ज़िंदगी के साथ हैं। बच्चा रात को गिरिया कर रहा है और आप बोला नहीं मैं तो तहज्जुद ही पढ़ूंगा, बच्चा रोता रहे तो ऐसी तहज्जुद आपकी कहाँ जाएगी? खूब ये सेंस कि खुदा किस तरह मुलाकात चाहता है, ये खुदा बेहतर है। आपको ये सब देखकर पूरा पैकेज लगाना है। बाज़ औक़ात हम एक तरफ झुके चले जाते हैं, दुआएं पढ़नी पढ़ते हैं, ज़ियारतें पढ़ रहे हैं, मौलाना साहब मैं तो इतनी सुबह ये पढ़ता हूँ शाम को ये पढ़ता हूँ। तो भाई अपने अतराफ़ में लोगों का ख्याल भी रखते हो कि नहीं रखते? ये भी तो ज़रूरी है ना कि तुम अपने वजूद से माशरे को क्या दे रहे हो, खुद अकेले पढ़े जा रहे हो। बस मैं ये पढ़ता हूँ मैं वो पढ़ता हूँ, अच्छी बात है पढ़ो, लेकिन तुम अकेले पढ़े पढ़े जा रहे हो भाई, माशरे में मुश्किलात हैं, माशरे में बुराइयाँ हैं, उसके लिए क्या कर रहे हो? असल ज़ियारत तो यही है कि मुलाकात करो। अपनी मुश्किल और आजत के लिए 40 दिन ये पढ़ दूँ 40 दिन वो पढ़ूँ, मुश्किल हल हो गई फिर क्या होगा? क्या तकर्रुब इलाही के लिए पढ़ रहा हूँ कि नहीं पढ़ रहा, कुर्ब इलाही चाह रहा हूँ कि नहीं चाह रहा? बगैर किसी लालच के तो ठीक है, ज़रूरत है वो भी इंसान को, अल्लाह ने मना नहीं किया, खुदा कुरान में कह रहा है दूनी इस्तजब, मांगो मैं दूंगा। अहले बैत का दर भी ऐसे ही है, आओ, वो कभी किसी को खाली नहीं जाने देते वो, लेकिन बात यह है कि कभी बगैर किसी चीज़ के भी तो आऊँ। तो मैं सिर्फ मुलाकात चाहता हूँ, कैसे आना हुआ? मौला मिलना चाहता था खाली, बस सिर्फ मिलना चाहता था, बस मौला बस आपकी ज़ियारत चाहता था, बस आपको देखना चाहता था। वो वैसे लोग थे ना, सदर इस्लाम में भी थे कि जो सिर्फ रसूल खुदा को देखने आते थे, बस ऐसे थे, सिर्फ निगाह करते थे। यही तो कमाल है करबला वालों का कि जिन्होंने बगैर किसी मकसद लालच गेनिंग किसी चीज़ के, अगर आप समझते हैं जी सबसे बड़ी चीज़ जो इंसान चाहता है वो क्या है, बहिश्त है, बहिश्त तो सईद शोहदा ने शब आशूरा दे दी, मकाम तक दिखा दिए, ये तुम्हारे जन्नत में मकाम है, जाओ भाई चले जाएं। अगर बहिश्त के
बहिष मादी भी नहीं है कि आप बोले जी कोई मेटलिस्टिक फायदा मिल गया तो लोग छोड़ के चले गए, नहीं, असल मेटलिस्टिक फायदा नहीं है, हुम्फिया खालिदून है, रजवान इलाही है, रजा इलाही है, जिसके लिए परवरदिगार ने पूरा सिस्टम बनाया, वो दिखा दिया, ये लो मकाम है, जाओ, नहीं गए, क्यों नहीं गए, यहां बगैर अपनी चाहतों के, बगैर कुछ लालच के आए थे, यहां जिंदगी का मकसद हुसैन था, सिर्फ हुसैन, सलावत भेजे मोहम्मद वाले अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वजाने मोहतरम, खूब यहां, खूब यहां इमाम हुसैन मकसद, यही तो वजह है कि कुछ लोग जन्नत में, कयामत में जिन्हें जन्नत चाहेगी कि ये हमारी तरफ तवज्जो करें, जन्नत की नेमतें कितनी नेमतें हैं, मगर इन्हें घसीट कर भी जब बहिश की तरफ बुलाया जाएगा तो ये कहीं और मुतवज्जा होंगे, और पूछा जाएगा तो क्या है, तो कहेंगे हमारी जन्नत हुसैन है, अब ये लका अल्लाह, ये यानी शब आशूरा खुदा से मुलाकात की शब है, तो क्या मेरी जिंदगी इस मुलाकात पर डिजाइन हो रही है कि नहीं हो रही है, मैं भी तो चाह रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं, और आप अकेले कैसे मुलाकात करेंगे जब आप अपने आसपास में तवज्जो नहीं है, आपकी फिक्र नहीं है, आप कैसे करेंगे, तो उन सिफात को अपने वजूद में पैदा करें, अकामाए सलात यानी माशरे को कायम करना है, माशरा फर्द से बनता है, और जब तक मैं अपने ऊपर इस्लाम को कायम नहीं करूंगा मैं माशरे को कैसे कायम कर सकता हूं, और याद रखें कि उसके मुकाबले में तागूत अपनी पूरी कोशिश कर रहा है, वो करता है और हर दौर में करता है, आज ऐसा नहीं है कि तागूत खामोश है, दुश्मन शनासी एक ऐसा मौजू है जिसे बहुत खूबसूरत तरीके से हमारे मेंबरों से डिलीट कर दिया गया है, खूबसूरत तरीके, किसी और तरफ रुख मोड़ दिया गया है, कहीं और, सादा सी जबान में कहूं तो तोपें कहीं और मुड़ दी हैं, हमारी तवज्जो भी वही है, हम भी समझते हैं कि बस यही दुश्मन है और कोई दुश्मन नहीं है, नहीं है अज़ीज़ाने मोहतरम, अगर इमाम इमाम ज़माना है तो फिर दुश्मन भी ज़माने का वही है जो इमाम के मुकाबले में है, इसको समझने की ज़रूरत है, वो आप मीठी मीठी बातें सुनते रहे, आप बोले घर चले जाएं, आपको ऐसा तो नहीं होगा, मजलिस शब्बीर सीने को तैयार करने की जगह है जिसमें तीर खुद आके जकड़ जाते हैं, वो ये आसान नहीं है, यहाँ पे अगर आए तो शुजात है, सिर्फ मजलूमियत है, सईद शौदा तो नहीं है मजलिस में आप बयान करें और घर चले जाएं, शुजात है, सईद शौदा भी तो है कि 72 का लश्कर था और हजारों के मुकाबले में डट गया, और ऐसा डटा कि ये भी नहीं कि एक साथ डटा, एक एक फर्द अपने वजूद में पूरी कायनात था, जिंदाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद ये एक एक शख्स आप देखें, मैन खुद यूनिवर्स बना हुआ है, चाहे वो 6 महीने का बच्चा हो, उसने भी वक्त के हाकिम से उसका नकाब खींच लिया है, 6 महीने के बच्चे ने इतना काम कर दिया, बाकी तो
یہ جو تاریخ میں آج پریشانی ہے عزائے حسینی سے یہی تو ہے، کیونکہ یہ جس دور میں بھی ذکر کی جائے گی یہ وقت کے جدیدیوں کے نقاب اتارتی رہے گی، یہی گھبراہٹ ہے. جانے تو سسٹم کو سمجھنے کی کوشش کریں، سسٹم انڈرسٹینڈ کریں کہ مقابلے میں ہے کیا. یہ جو وار ہوئی ہوئی ہے، یہ جو ایک کلچر ڈیزائن کیا جا رہا ہے کہ جہاں حدود الہی کو پارا پارا کر دو، اور جب کوئی بات کرے نہیں سوسائٹی ہے سب چلتا ہے، لبرل سیکولر سب کیسے چلتا ہے. اگر یہ اچھا ہوتا تو پھر خدا بھی ایسے دین دے دیتا. خدا تو قرآن میں کہہ رہا ہے ہم نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا. وہ جب دین اسلام پسندیدہ ہے تو یہ اسلام کہاں ہے، کہاں ہے یہ اسلام؟ اسلام کے بڑے بڑے دعوے دار آج دنیا کی اقتدا کر رہے ہیں. ہمیں تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ لیئر میں بولنی پڑتی ہیں، اجزانے میں ہوتے ہیں. اور جو تھوڑا بہت آپ کو بازار چیختا ہوا نظر آتا ہے نا، یہ بھی کوئی دین کی خاطر نہیں ہے، یہ اپنی دکانوں کی خاطر ہے. یہ دکانیں ہیں اپنی، یہ دکانیں ویسے کسی طریقے سے دے دو چپ ہو جائیں، انہیں پتہ ہی نہیں دین کا ہو کیا رہا ہے. یہ ہر دور میں ہے، یہ جو طبقہ ہے نا یہ ہر دور میں آیا، اور انہوں ہی نے اچھی بڑی امت کو گمراہ کیا ہے. جہاں دیکھیں یہ فطرت میں ہے، انسان کی فطرت میں خدا پرستی ہے، خدا کو پرستش کرنا یا ایک معبود کی پرستش کرنا انسان کی فطرت میں اللہ نے رکھا ہے. لا الہ الا اللہ فطرتن ہے، اور ہو ہی نہیں سکتا کہ فطرت ہو اور خدا اس فطرت کے تقاضوں کو پورا نہ کرے. لیکن جب آپ اس کو صحیح راستے سے نہیں لیں گے تو پھر سامری جیسے لوگ آ کر آپ کو گوسالے جیسا رب بنا کے دیں گے. یہی تو وجہ ہے. اب ایک کتنا بڑا طبقہ دیندار ہے معاشرے کا، رسول سے محبت کرتا ہے، خدا کی عبادت کرنا چاہتا ہے، مگر عجیب سامری نما لوگ معاشرے میں کھڑے ہوتے ہیں، دین کے نام پر لوگوں کے جذبات احساسات بیچ دیتے ہیں اپنے مفاد کی خاطر، اپنے دین کی تعریفیں کر رہے ہیں. مگر دین تو ایسا ہے کہ جو چونٹی کا بھی احترام کر رہا ہے. دین تو یہ کہہ رہا ہے کہ جنگ ہو، اگر جنگ ہو تو دشمن کے درختوں کو بھی مت جلاؤ. یہ کون سا دیندار طبقہ ہوتا ہے کہ جب اگر کوئی بات ہو جائے تو اپنے ہی لوگوں کی دکانیں، گاڑیاں، گھر جل جاتے ہیں؟ تو دین نہیں ہے یہ، دھوکہ نہ لے. قیامت والے دن جب سب پھنسیں گے تو آپ کیا کہیں گے؟ ہم تو ان کے پیچھے چلتے تھے. تو قرآن خود کہہ رہا ہے جب آپ سب یہ بولیں گے کہ ہم تو اولیاء طاغوت کے پیچھے تھے، تو اولیاء طاغوت کیا کہیں گے؟ ہم تو خود پھنسے ہوئے تھے، ہم نے تو نہیں کہا تھا یہ ہمارے پیچھے چلتے ہیں. تو کیا جواب دیں گے آپ؟ جب عقل خدا نے دی ہے تو خود دین کو سمجھیں. لا الہ الا اللہ دین محبت کا دین ہے، دین دوسروں کے حقوق، دوسرے ادیان کے حقوق کو واضح کر رہا ہے. آپ معاشرے کو دیکھیں کتنا فنیٹک ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کسی پہ الزام لگایا تھا فلانے نے توہین، فلانے نے یہ کیا، اس کے ساتھ ہم کرتے کیا ہیں؟ آپ کا تو اخلاق ایسا ہونا چاہیے کہ اگر کوئی، ہاں اگر کوئی واقعاً علل اعلان غلطی کر رہا ہے تو وہ اس کی سزا خود اسٹیٹ دیتا ہے، اسٹیٹ ذمہ دار ہے. آپ اپنا پروٹیسٹ کریں اچھی بات، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہم ایسا کردار پیش کریں کہ لوگ دیندار ہو جائیں. مگر رسول خدا کا کردار نہیں تھا کہ وہ معاشرہ جو بتوں کی پوجا کرتا تھا، وہ جو سورج کو دیکھنے سے صرف اپنے شکم کی طرف متوجہ تھا، صبح روشنی نکلے گی تو پھر کھانا کھانا ہے، ظہر کے ٹائم جب سورج آئے گا درمیان میں پھر کھانا کھانا ہے، جب سورج غروب ہوگا پھر کھانا. اس معاشرے کو رسول خدا نے کہاں پہنچا دیا کہ جب سورج طلوع ہو رہا ہے تو سجدہ، جب سورج درمیان میں آیا تو سجدہ، جب سورج غروب ہوا تو پھر سجدہ. اس معاشرے کو اللہ اکبر یا رسول اللہ.
ऐसा माशरा वज़ाने मोहतरम, ये रसूल खुदा का इखलाक है। लहू लुहान हो गए मगर किसी के लिए बद्दुआ नहीं की, किसी के लिए बद्दुआ नहीं। अब यहाँ माशरा तश्कील दे, दावत दे लोगों को इस्लाम की। करबला इस्लाम की बगा है, मजलिस से आज़ा इस्लाम को कायम करने के लिए, न किसी फिरके के लिए। ये हम थोड़े इधर उधर हो गए, हकीकत कुछ और है। शायद जब हम आंख बंद होगी तो समझ में आएगी कि हुसैन कौन थे और हम ने कितनी अपॉर्चुनिटी ज़िंदगी में ज़ाया कर दी। औलिया खुदा एक लम्हा भी अपनी ज़िंदगी का, फुर्सतों का ज़ाया नहीं करते। ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदा से मुलाकात, खुदा से मिलना। अज़ाने मोहतरम, आयतुल्ला शहीद मुतहरी रिजवानुल्लाह ताला अलैह के जवानों को उनकी किताबें पढ़नी चाहिए। इमाम खुमैनी फरमाते थे जवानों को शहीद मुतहरी की किताबें पढ़ी चाहिए। उर्दू के अंदर बहुत किताबें दारुस्सकलैन ने तर्जुमा की हैं, आप उसको पढ़ सकते हैं। शहीद मुतहरी मशहद मुकद्दस में आलम दीन बयान करते हैं कि एक ख़ास कमरे में आते थे और हमने रात को देखा कि रात को न सिर्फ तहज्जुद पढ़ रहे हैं बल्कि इतना गिरिया और इतनी मनाजात करते थे। तो जब पूछा तो आयतुल्लाह बरूजर्दी ने गाले में किसने बताया कि ये अपनी जवानी में तालिब इल्म जब थे, जब से ये रात को गिरिया करते थे। रात को खुदा की बारगाह में खड़े होना, सजदा करना खुदा से मुलाकात है। शहीद का वाक़या मुझे नहीं पता, मैंने बहरहाल आपके दरमियान में बयान किया कि नहीं किया। एक शहीद का वसीयत नामा शहादत के बाद जाहिर है मिलता है इंसान को। वो कहता है कि मैं जब जवानी में था परवरदिगार, तो तू मुझे उठाता था कि तू मुझसे बात करे, तू चाहता था मुझसे बात करना, तू मुझे उठाता था, लेकिन मैं नास करता था, मैं करवट बदल के फिर सो जाता था। तू चाहता था मुझसे बात करे, अब जबकि मैं खते मुकद्दम पे खड़ा हूं यानी बिल्कुल शहादत मेरे सामने है, अब तू मुझे शहादत नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि अब तू मेरे से नास कर रहा है, तू मुझे तड़पा रहा है। खूब मैं रात की तारीकी में उठकर मुलाकात चाहता हूं कि नहीं चाहता। ये लज्जत अजीजाने मोहतरम, ये दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी, कोई इल्म, कोई डिपार्टमेंट, कोई भी चीज़ आपको रात की इबादत की लज्जत नहीं बयान कर सकती सिवाय औलियाए इलाही के। कैसी इबादत है, कैसी, खुदा अपने महबूब को जब रात की बात कर रहा है और महबूब अल्लाह अकबर, यानी सबसे ज़्यादा मुलाकात कौन चाहता है सिवाय रहमतुल आलमीन के? कोई नहीं है। खुदा का महबूब उससे करीब कुर्ब किसी का नहीं है। कितना कुर्ब है कि खुदा खुद अपने महबूब से कह रहा है कुमुल लैल इल्ला कलीला, खड़े हो मगर कम खड़े हो मेरे हबीब, बहुत बहुत खड़े हो रहे हो। यानी इतनी इबादत, ये इबादत सिर्फ उठखना पटखना नहीं है जाने मोहतरम, ये इबादत तवज्जो है अपने वजूद से। एक सजदे में आप चले जाएं थोड़ी देर के लिए, हमारी जिंदगी में एक मिनट है सजदा, एक नमाज के सजदे तो चले अपनी जगह, नमाज के सजदे के अलावा शुक्र का सजदा, रात में कोई नहीं देख रहा आप सजदे में कितनी देर सजदा है, एक मिनट है सजदा। जिसने इतना कर्म किया हो जिंदगी में, जिस
کے قبضے میں پوری کائنات ہو, جو میرا حساب کتاب کرے گا قیامت والے دن, جس نے ساری مجھے نعمتیں دی ہوں, کیا میرے پاس 24 گھنٹے میں 1 منٹ نہیں ہے میں اسے سجدہ کروں؟ اور سجدے میں ضروری نہیں ہے کہ آپ نے کوئی ذکر کرنا ہے, نہیں, بات کریں, بات کریں اس سے, بات کریں. خدا اپنے بندے کی بات سننا چاہتا ہے, بات کریں, بات جیسا آپ بات کریں. اور بہترین باتیں وہ ہیں جو آئمہ نے خدا سے کی, اذان موت وہ مناجاتوں کے ٹکڑے, وہ گفتگویں جو آئمہ نے خاص طور پہ صحیف سجادیہ میں جو امام کر, یا غنی الاغنیا انا افقر الفقراء, اے بے نیازوں میں سب سے بڑے بے نیاز, میں محتاجوں میں سب سے بڑا محتاج ہوں. جو اپنے آپ کو توڑیں اس کے آگے, توڑ دیں, شکستہ ہو جائیں, پھر دیکھیں وہ آپ کو کیا جلوے کرائے گا, کس عالم میں لے جائے گا. یہ سب درد اور آلام ہے نا دنیا کے, یہ سب ختم ہو جائیں گے. کربلا اسی لا الہ الا اللہ کی دعوت کا دروازہ ہے. کیسے امام حسین علیہ السلام نے دلوں کو خریدا, اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. کیسے سید الشہداء نے لوگوں کے دلوں کو خریدا ہے, کیسے خریدا قلب, ایسے قلوب تھے نا, ایسے قلوب ہونا آسان نہیں ہے کہ ایسے قلب ہو جائیں کہ آپ 1400 سال بعد بھی ان کا ذکر کر رہے ہیں اور آپ کا دل بھرتا نہیں ہے ان کا ذکر کرنے سے. آپ ہر وقت ان کا کتنا ذکر ہو رہا ہے پوری دنیا میں, ان کا ہر جگہ, ہر گلی کوچے, ہر میڈیا پہ, کیوں کہ امام حسین نے ان کو قلوب کو اتنا وسیع کر دیا ہے کہ ان کے قلب عالم پہ محیط ہوتے جا رہے ہیں. قلوب خریدے ہیں نا, وہ بھی حسین جسے خرید لے تو اس کی قیمت کتنی بڑی ہو جاتی ہے. یہ جو آپ سب بیٹھے ہیں, آپ کے دلوں کو امام حسین نے خرید لیا ہے. آپ شکر کیا کریں مجلس میں آنے سے پہلے بھی اور مجلس میں جانے کے بعد بھی کہ آپ کے قلوب کا خریدار کوئی یزید نہیں ہے, آپ کے قلب کا خریدار زہرا کا لال ہے. کیسے چن رہا ہے آپ لوگوں کو, نہ کوئی فرقہ ہے, نہ کوئی ایج ہے, نہ کوئی گارنٹی ہے کہ کوئی 5 وقت کا نمازی ہے, نا یہ حسین ہے. حسین حسین ظاہر کو نہیں دیکھتا, حسین باطن پر جو ہے وہ قبضہ کرتا ہے, اور جسے حسین لے لے اس کا ظاہر خود بخود اچھا ہو جاتا ہے. ایک عالم دین بہت محتشم کاشانی, بہت جوان ہے لیکن بہت خوبصورت ذکر کرتے ہیں ولایت پہ, بہت خوبصورت. میں ابھی مغرب کے بعد دیکھ رہا تھا تو میری بیٹی نے کلپ دکھایا, اللہ اکبر کیا خوبصورت بات کی انہوں نے. کہتے ہیں کہ امام حسین ہم نہیں سمجھ سکتے ہو, کہتے ہیں امام حسین اتنا کریم ہے, نہیں پتا یہ جو ایک رات کی مہلت تھی نا, یہ شاید اس لیے تھی کہ حور ابھی تک نہیں آیا. یعنی امام حسین کہہ رہے ہیں میں کیسے چلا جاؤں, حور نہیں آیا ابھی تک. یعنی ایک شخص کتنا کریم ہے حسین. آپ پورا سال جو بھی کام کرتے ہیں لیکن جب محرم کا چاند نکلتا ہے تو آپ چاہیں نہ چاہیں مجلس میں تو جاؤں گا, کہیں پہ بھی ہے پہنچ جاؤں گا. ظاہر ہے آپ امام حسین کے لیے آتے ہیں, آپ کسی ذاکر کے نام کے لیے اور نہ کبھی آیا کریں خدا کے لیے. شخصیت معیار نہیں ہے, حسین معیار ہے, حسین معیار ہے.
जो हुसैन का है बस मैयार वही है। इमाम हुसैन के मुकाबले में किसी की हैसियत, कोई अपनी हैसियत दिखा भी सकता है क्या हुसैन के मुकाबले में? नहीं दिखा सकता। फना हो जाए बे अभी अंता वो उम्मी, मेरे माँ बाप आप पर फिदा हूँ मेरे मौला, मेरी क्या हैसियत है? मैं रस्ते में आता हूँ, बुजुर्ग खवातीन बैठी होती हैं यहाँ पर, आ रही होती हैं, ये माएँ हैं। मुझे भी आज अपनी वालदा याद आई, किस तरीके से आज़ादारी में ले लेके जाना, ले लेके चलना, अल्लाह। ये सब इमाम हुसैन की माओ की दुआ है अज़ाने मोहतरम। हुसैन हमारे कल्बों को खरीद रहा है। आज के दौर में जहाँ इतना तागूत का बाजार गर्म है, जहाँ इन जवानों को गुमराह करने के इतने मराकिस कायम हैं, वहाँ हुसैन तजल्ली करता है। कारवां रस्ते में चल रहा है, एक तरफ हुसैन का, एक तरफ ज़ुहैर इब्ने कैन, एक तरफ पड़ाव इनका लग रहा है, एक तरफ करीब करीब में पड़ाव लग रहे हैं। बस ये बहुत माजरत, वक्त ज़्यादा हो गया, आंसू शायद, मगर आंसू एक निकले वजूद से बाहर आए। ज़ुहैर इब्ने कैन आपको पता है, मसलक ताजिर, काम बड़ा सेटअप है, सब कुछ अच्छा खासे खैमे लग रहे हैं। एक मकाम पर पहुंचे, अभी कोई गजा तनावुल कर रहे हैं, देखा इमाम हुसैन का कासिद आया। जैसे ही इमाम हुसैन का कासिद आया, बस अपनी जौजा से कहा कि मैं जिस बात से डरता था वही हो गया। कहा क्यों? कहा अगर इमाम हुसैन ने मुझे बुला लिया तो मैं रुकूंगा नहीं। तो जौजा ने बोला कि इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। खूब ऐसी खवातीन थीं जिसकी वजह से ये गौहर बने हैं। कहते हैं गए वापस आए दिशान इधर जवादी आल्ला मकामों, पढ़ा करते थे कि ज़ुहैर की कासिद इमाम के कदमों पर कदम पड़े और तकदीर बदल गई। सबको छोड़ दिया, आज़ाद कर दिया, बीवी को, काम को, ग़ुलामों को छोड़ दिया और ख़ुद इमाम हुसैन के कारवान में शामिल हो गए। इसी तरह और लोग, ये वो लोग हैं कि जब इमाम रोज़े आशूराई, हर परवाना शमा पे कुर्बान होना चाहता है, कुछ पहले कुर्बान हो गए, कुछ बाद में कुर्बान हुए, कुर्बानी कुर्बानी है। हुसैन ने सबको बुजुर्ग कर दिया। आए नमाज कायम है, तीर सईद जो हैं उन्होंने अपने सीने में, कहते हैं 13 तीर खाए। इमाम नमाज कायम कर रहे हैं, सीने पे तीर खाए, गिर गए, गिर गए। अरे ये नहीं कहा कि मैंने कोई बहुत बड़ा काम किया। उस लम्हे में भी जब इमाम पहुंचे तो बस कहा मौला मैंने वफा की। कैसा कल्बों को खरीदा है इमाम हुसैन ने, यानी सब कुछ देने के बाद भी पूछ रहे हैं अल्लाह अकबर। ज़ुहैर इब्ने कैन ने भी ऐसी कुर्बानियां दी आज़ादाराने मोहतरम। कहते हैं बाज़ उलमा बयान करते हैं कि वाक़े करबला के बाद ये जो आशूरा था, तो उसकी जौजा ने ग़ुलाम को एक कफ़न देकर करबला भेजा और फिर बाद में इंतज़ार करती है कि ग़ुलाम आएगा। दूल उठी जब वापस आया तो देखा ग़ुलाम के पास कफ़न वहीं है। कहा तूने अपने आखा को कफ़न नहीं दिया? तो ग़ुलाम क्या कहता है, कहते कफ़न एक था। अल्लाह बेगोरो कफन। ये खूब, ये करबला है, ये गुलशन जहरा उजड़ा हुआ करबला है अज़ादाराने मोहतरम। बस एक सहाबी का और जिक्र, कल से मखसूसियाँ शुरू हो जाएंगी। शबे हैं, शबे गिरिया है, अब तो बहरहाल कभी किसी को बैठ के रोआ करें, कभी किसी को बैठ के रोआ करें, क्योंकि ये खेमों में माएँ बच्चों को तैयार कर रही हैं। नहीं पता कुछ दिन में पानी बंद हो जाएगा, ये तैयारी है, हम भी तैयारी।
मुहर्रम की अज़ा को अपने वजूद पे तारी करें, वजूद पे तारी करेंगे तब इमाम हुसैन के कारवान में शामिल हो जाएंगे। खूब इस दर्द को, इस धूल को, इस मट्टी को वजूद पे बर्दाश्त करें। अज़ान मोहतरम, ग़ुलाम, दो ग़ुलाम है, एक वो एक जो अक्सर लिखता भी है और एक और है जॉन है, दोनों के मसाइब कुछ एक जैसे ही हैं। जब सब जा रहे हैं तो जॉन ने भी सैयद शोहदा अलैहि सलाम से कहा कि मौला मुझे भी जाने दें, मैं भी जाऊं। यानी ऐसी इश्क की मोहब्बत की आग है, हर कोई अंदर जल्दी जाना चाहता है। इमाम हुसैन ने जॉन को जाने नहीं दे रहे, जॉन ने, जॉन भी मौला का ग़ुलाम है, जानता है अपना कल्ब हुसैन को कैसे बेचना है। क्या जुमला कहा, मौला आप मुझे इसलिए नहीं जाने दे रहे मेरा रंग स्याह है। अल्लाह अकबर, करीम को कैसा जुमला, वो भी करीम को कह रहा, मौला हम मुझे इसलिए नहीं जाने दे रहे मेरा रंग स्याह है, मेरे बदन से खुशबू नहीं आती है, मेरा हसब नसब सही नहीं है, अच्छा नहीं है। या इमाम ज़माना, आपको जॉन का वास्ता, मेरा हसब नसब अच्छा नहीं है, मेरे बदन, मेरी रूह मुअत्तर नहीं है, मैंने अपने कल्ब को स्याह कर लिया है। मौला इमाम ज़माना जॉन का वास्ता, मुझे कबूल कर ले, मुझे मौका दे दे, मैं भी आपकी बारगाह में आ जाऊं। बस ये कहना था। इमाम हुसैन ने कहा जॉन जाओ जाओ। जैसी जा रहे थे इमाम हुसैन ने क्या कहा, अल्लाह अकबर, जहरा का लाल, जहरा सईदा सलामुल्लाह अलैहा का दरवाजा ऐसा है ना कि कोई साइल वापस नहीं गया, तो हुसैन के दर से कौन वापस जाता। जैसे ही जॉन जाने लगे, कहा परवरदिगार जॉन के रंग को सफेद कर दे, इसके बदन को मुअत्तर कर दे, इसके हसब नसब को हमारे हसब नसब में शुमार कर। अल्लाह अकबर, जॉन कहां पहुंच गया। आज़ादारन मतलब करबला यही तो है कि जो वादिये तौहीद में आ जाए वहां दर्जे खुद ब खुद बढ़ना शुरू कर देते हैं, दर्जे उस मकाम पर पहुंचे कि जब जॉन गिरा है ना दश्ते करबला में, खूब एक अजीब हालत इंतजार में है, बिल्कुल है, तो जॉन ने अपने रुखसार पर गर्माहट को महसूस किया। बस आखिरी जुमला, इल्तमासे दुआ, गर्माहट को महसूस किया। जॉन ने उसी हालत में जरा सी अपनी आंख खोली होगी, क्या देखा, अरबाब, मालिक, मौला। ख्याल आया होगा मैं कितना खुशकिस्मत हूं, मेरे मौला ने अपने रुखसारों को मेरे रुखसारों पर रखा है। मैं कहूंगा जॉन ये रुखसारों पर रुखसार रखना अपनी जगह, मगर काश के तुम देखते कि जब इमाम हुसैन अपने रुखसारों को अली अकबर के रुखसारों